हेलो दोस्तों, मैं हूं अयाज। आज हम बनाने वाले हैं अंडा कढ़ी, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ पर मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, इसको रफली चॉप कर लिया है, और दो हरी मिर्ची हैं और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से हमारा पेस्ट बन गया है, हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका, तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच तेल डाल देता हूँ, और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें अंडे फ्राई करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों तेल फ्राई गर्म हो गया है, अब मैं इसमें अंडे फ्राई कर लेता हूँ। मैं सारे अंडे एक साथ फ्राई कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो एक एक करके फ्राई कर सकते हैं। मैं इस तेल का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसी में अंडे को फ्राई कर लेता हूँ, और जब हमारे अंडे फ्राई हो जाएंगे तो हम इसी तेल में अंडा कढ़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से अंडे फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो बिना फ्राई के भी अंडे बना सकते हैं। तो हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, तो अब मैं अंडों को निकाल लेता हूँ। और दोस्तों हम इसी तेल का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जीरा डाल देता हूँ, और जैसे ही जीरा हमारा चटक जाएगा उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर आप प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मत भूंजिएगा दोस्तों, नहीं तो प्याज आपका जल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज हो चुका है, आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन कलर आ गया है, और अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देते हैं, जो टमाटर प्यूरी हमने बनाई थी, और टमाटर प्यूरी को एक बार अच्छे से मिला देते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा स्वाद अनुसार, और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये तीखा मिर्च है, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है, मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा अंडा कढ़ी बने। तो दोस्तों मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, तो दोस्तों मैं धनिया डालना भूल गया था, तो यहाँ पर मैं सूखा धनिया पाउडर डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मसाले में धनिया पाउडर डाल दीजिएगा, मेरी तरह आप भूलिएगा मत। और धनिया पाउडर के साथ साथ मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रहा हूँ 1 चम्मच, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। पानी डालने से होता क्या है दोस्तों कि मसाला जो है वो जलता नहीं है और अच्छी तरीके से भून जाता है, तो आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालें और मसाले को अच्छे से भून लें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं किनारियों में हमारा तेल अच्छे तरीके से मसाले ने छोड़ दिया है, और अब हम इसमें अंडा डालेंगे। बस दोस्तों अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट ढक कर पकाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाल देता हूँ, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी खाने के शौकीन हो तो पानी थोड़ा सा कम डालिएगा, मैं मीडियम ग्रेवी खाना पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम इसको एक बार अच्छे से उबाला आने के बाद हम इसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। अच्छे से उबाला आ गया है दोस्तों, अब हम इसको ढककर पकाते हैं 5 मिनट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंडा कढ़ी बनके तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं कि कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आपको तो पता ही है फिर क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।